नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेन ड्रॉप फाउंडेशन विशिष्ट ज्योति सामाजिक संस्था ने महू के स्लम एरिया में कंबल गर्म मोजे किए वितरित। महू में जहां एक तरफ इस कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेन ड्रॉप फाउंडेशन और विशिष्ट ज्योति सामाजिक संस्थान के सेवाभावी सदस्यों के द्वारा इंदौर जिले के महू के स्लम एरिया में ठंड से बचवाने के लिए गरीब निर्धन परिवारों को 200 गर्म कंबल, 362 गर्म मोजे और गर्म कपड़े वितरित किए गए। बता दें कि दोनों संस्थाओं के द्वारा निरंतर सेवा की जा रही है ताकि इनको ठंड से बचवाया जा सके। इस अवसर पर विशिष्ट ज्योति संस्थान के सुधाकर के अध्यक्ष सुधाकर खड़से, प्रवीण सोलंकी, ममता नेहा, आरती जयप्रकाश, शुभम वर्मा, मुन्ना भाई सहित कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए राजेश खड़से की रिपोर्ट। नमस्कार, आज इंदौर जिले के स्लम एरिया में रेनड्रॉप फाउंडेशन और विशिष्ट ज्योति सामाजिक संस्था के माध्यम से कड़कड़ाती हुई ठंड को देखते हुए जो ये मजदूर वर्ग है स्लम एरिया में निवासरत है, इनके लिए रेंडा फाउंडेशन की तरफ से कंबल और सॉक्स वितरण किया जा रहा है। हम रेंडा फाउंडेशन का और विशिष्ट सामाजिक संस्था का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि इस ऐसे मौसम में, ठंड के समय में, गरीब लोग, गरीब वंचित समुदाय को कंबल वितरण किया जा रहा है। प्रवीण सिंह सोलंकी, जयप्रकाश खड़के खड़से जी, विजेंद्र सिंह जी के माध्यम से ये आज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। धन्यवाद।